घर से क्या उम्मीद रखी पूछे, घर तो है ये पूछे, अभी नहीं पूछा, अपनी माँ की तबीयत से भरेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुशहरम जिंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। आमिर लियाकत जैसे बंदे तो अपनी माँ को भी इज्जत नहीं दे सकते, तो वो औरतों को कैसे इज्जत देंगे। देखिए, मैं उनके साथ ना लड़ाई करना चाहती हूं, ना कुछ उनसे लेना चाहती हूं। मेरी सीधी सी बात है, वो मुझे डिवोर्स दें और मुझे इस रिश्ते में रहना ही नहीं। मैं 18 साल की नहीं हूं, मैं हूं 15 साल की, सही है। और इनको सारी बात पता था, मेरी आईडी कार्ड मेरे मामू लोगों ने मेरी एज थोड़ी ज़्यादा लिखवा दी थी, तो इनको सारी पूरी बात का पता था। अब वो ब्लेम मुझ पे कर रहे हैं कि तुमने मुझे नहीं बताया, मैं और इसका रूम अलग कर दिया था, मैंने ये कर दिया था, मैंने वो। जब इसने रूम अलग किया था तो ये मेरे साथ लेटे हुए वीडियोस क्यों बनवाते थे। मैंने दरअसल इनके साथ निभाने की बहुत कोशिश की, मैंने इनको सपोर्ट भी बहुत की, और मीडिया पे जैसे ये आते जाते थे इनको लोगों ने इज़्ज़त भी दी, और इन्होंने मुझे घर पे नौकरों के सामने किसी के सामने इज़्ज़त नहीं दी। ये मीडिया पे मेरे साथ प्यार करते थे, जैसे कैमरे पे आते थे प्यार करते थे, और घर पे जैसे ही पहुंचते थे तो ये बहुत गंदे बिहेव से मुझसे बात करते थे। लियाकत हुसैन ने जी तूबा के बाद अपनी तीसरी बीवी दानिया शाह के किरदार पर भी उंगलियां उठाना शुरू कर दी। आमिर लियाकत ने दानिया पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो निकाह में तो मेरे थे लेकिन जिनसी ताल्लुकात दूसरे गैर मर्दों के साथ बनाती थी। दानिया की असल उम्र 15 साल है, मुझसे उसने झूठ बोला, मुझसे उसने गलत बयानी की, मुझे उसने बताया 18 साल है लेकिन उसकी कागजात में उम्र 15 साल है, जिसकी वजह से मैंने 4 माह तक कभी भी उसके साथ कोई ताल्लुक कायम नहीं किया, उसको हाथ तक नहीं लगाया और अपना बिस्तर भी अलग कर दिया। और मेरी तबीयत एक बार के मुझे भी तबीयत फिर वही करेंगे, एक बार भी निकाल पिछड़ तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। मेरे घर से क्या उम्मीद रखी थी पूछे, मेरे घर तो है ये पूछे, अभी नहीं पूछा, अपनी माँ की तबीयत से भरेगी। तुझे कोई भरेगी तो नहीं, ना तो तबीयत पूछेगी, मेरे घर तुझे तस्वीर दे, वो अपनी गुफ्तगु तक करवा दी ऐसे में जिसमें तुमने बीवी होने का दावेदार कर दी। तू बीवी बनाई नहीं चाहती भाई, मैं हट रहा हूँ पीछे से, अब मैं हट रहा हूँ, मुझे मत रखना बीच में, अब मैं बैठ रहा हूँ, अब कुछ भी होगा मैं इत्तला दे रहा हूँ मुल्तान भी उधर उधर कि बैठो, क्यों तुम तबीयत क्या पूछोगी, तुमने एक दफा एक लड़की पूछा कि आपकी आवाज कैसी निकल रही, हालत कैसी हो रही है, तुमने तो उल्टा इंस्टाग्राम से हमारी वीडियो तक हटा दी है। वो कहते जी मैं नए आइस का नशा नहीं करता, शराब भी नहीं पीता, 4 माह तक मैंने अपनी बीवी को हाथ तक नहीं लगाया, इससे मुझसे झूठ बोला कि इसकी उम्र जो है 18 साल है, 15 साल इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जो है मैंने देखी उम्र है, उसके बाद मैंने अपना बिस्तर अलग कर लिया, मैंने आज तक इसको छुआ भी नहीं है। फिर वो कहते हैं कि जी 15 बरस की लड़की 1.5 माह से बहावलपुर में कैसे इस अमल से गुजरी कि शौहर को गैर मौजूदगी के शौहर की गैर मौजूदगी के बावजूद वो मामलात जारी रहे, जो कि मुमकिन नहीं हो सकता एक औरत के लिए। फिर वो कहते हैं कि जी साथ साथ अपनी उम्र छुपाकर मुझे जाली शनाख्ती कार्ड दिखाकर इत्मीनान दिलाने का इसने जुर्म किया है। मैं आज अवाम को ये बताना चाहता हूं कि 4 माह से इस भयानक सच्चाइयों का बोझ मैं किस तरह से उठा रहा हूं। फिर अस्पताल बार बार पहुंचता रहा, 15 साल की उम्र के इंकशाफ जब मुझे पता चला तो ना इसके बाप ने बताया ना इसके रिश्तेदारों ने, यह सबसे बड़ा जो है जुर्म है कि मैं सैयद ख़ानदान से हूँ जबकि ये मलिक बरादरी से ताल्लुक़ रखती हैं। जनाब बस कर दे, खुदा का खौफ करें, निकाहनामा में जो है सैयद नहीं लिखा हुआ, मलिक ही लिखा हुआ है, आप अपनी आँखों का भी इलाज मेरे ख्याल में करवा लेना चाहिए। फिर कहते हैं जी शादी के 15 दिन बाद बहावलपुर गई और 15 दिन बाद वापस आई और आने के बाद 3 दिन गुजरे कि दोबारा ये बहावलपुर चली गई, 15 दिन बाद उसके बाद फिर वापस आई और इस दौरान मेरे बस एक सवाल का जवाब ये कभी भी नहीं दे पाई कि कराची में तो 24 घंटे इनका मोबाइल ऑन रहता है लेकिन इस बार रात से सुबह तक मुसलसल इनका मोबाइल बंद रहा, क्या बात थी, क्यों थी। उन्होंने पहले बहाने बनाए और फिर कबूल किया कि वो बंद कर देती हैं, फिर मैं तशवीश में मुबतला हुआ, आज मुझ पर तशद्दुद का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है, वो हकीकत मैं बयान करने पर मजबूर हो चुका हूँ जो मैं कभी नहीं करना चाहता था। इन 4 माह में चूँकि उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं था, मौशी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, इसके बावजूद जो है
फिर इसने मुझसे कहा कि मैं इनकी वालदा की मदद करूं, तो इनकी वालदा को माहाना 2 लाख रुपए भिजवाता हूं, जबकि 1 लाख में जो है दानिया को जेब खर्च दिया करता हूं। ये कमरे में बंद रहती हैं तो बहुत दूर की बात है, ये तो झूठी खातून है, ख़ुद ड्राइव करके 12 बजे दोपहर निकलती हैं, पॉलर जाती हैं, वहाँ पर मुझे नहीं पता किसके लिए तैयार होती हैं। और फिर ये कहती हैं कि जी मैं कराची में किसी को जानती नहीं, अगर ये किसी को जानती नहीं तो फिर रात 9 बजे से पहले ये वापस क्यों नहीं आती। यार ये वही प्लान है, मैं नहीं मिल रही, बस मेरी हिम्मत नहीं है, कैंसिल करो, मैं नहीं मिल रही। यार ये तो 3 करोड़ पूरे करता और इतनी बहरी, इतनी भाई मैं नहीं कर रही, कैंसिल करो कोई और शो, मैं कोई और जगह चली जाऊँगी, मैं यहाँ पर नहीं ठहरती। ये बिल्कुल वही है, मेरे शक बिल्कुल सही था इनके पास, अब मैंने दोबारा कभी नहीं आना, प्लीज़ ये कैंसिल करो, मैंने कहीं और जाना, यहाँ पर मैं नहीं रह रही। यार काम है या फिर नहीं यार, तो मुझे घर छोड़ दूँगी बोल रही हूँ। यार आज मेरी इतनी तबीयत ख़राब है, हमने एक क्लाइंट तारीख तय पता नहीं की, मैं पठान एक जंग है गंदा है पता नहीं की, मैं बहू बोले दिमाग शार्ट की थी खड़े मेरा, पता नहीं क्या थी इसी हूँ। ठीक है यार वो बार बार मुझे फोर्स कर रहे हैं पर मैं नहीं कर सकती, सो तुम्हें पता है ना कि मेरी तबीयत कैसी है, सो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, अल्लाह ना करे कोई नुकसान हो जाए फिर, ये तो मेरे वो नहीं करने आएंगे ना, सो बस तुम ठीक है भेज रहे हो जल्दी पहुँच दो बस। नहीं मैं गेस्ट हाउस में बैठी हूँ, दूसरे जो दूसरे नहीं आए थे फिर 7 में उधर बैठे हूँ, अब देखो अगर वही क्लाइंट हुआ जो मुझे 2 बार मिला था, 1 बार उससे लड़ाई, तो मैं नहीं करूँगी, पहले बोल दूँ तुम्हें मैं, वो बहुत सख्त भी है और टाइट भी बहुत है, तो मैं नहीं करूँगी, अगर कोई और क्लाइंट होगा तो मैं रुक जाऊँगी, सही है ना, और ज़्यादा फोर्स करने नहीं, मुझे ज़्यादा फोर्स नहीं करना। ओके यार ले चुका है वो अब दूसरा आ गया, वो बोल रहा है मैंने करना, मैं क्या करूँ बताओ यार, मुझे आने नहीं दे रहे, क्या करूँ मैं, खुद ऊपर आ जाओ। यार चले ठीक है मैं करके अभी आई, यार मैं उनको बोल देती हूँ 1 बजे की बात हुई है, ये दूसरा करेगा मैं उसको बोल दूँगी कि हाँ ठीक है 1 बजे की बात हुई थी मेरी, इससे ज़्यादा मैं भी नहीं रुकने वाली, बोल दूँ तुम्हें पहले मैं, यार मैं उनको बोल देती हूँ 1 बजे की बात हुई है, ये दूसरा करेगा मैं उसको बोल दूँगी कि हाँ ठीक है 1 बजे की बात हुई थी मेरी, इससे ज़्यादा मैं भी नहीं रुकने वाली, बोल दूँ तुम्हें पहले मैं, हमें शॉट पूरे हो गए हैं सही है, अब दूसरा आ गया मैं क्या करूँ, दूसरी लड़की के पास था अब आ गया मैं क्या करूँ, मेरी तो गलती नहीं है, उसको बोलो लड़की को वो पूरे करें, मैं कैसे पूरे करूँ। यार जानी ये 10:40 पे आए थे, एक काम हो गया सही है, बस फिर आके तुम्हें बताऊँगी। यार अब इसके काम देख लो, अब ये ना मुझे कह रहा है कि तुमने मेरे 5,000 उठाए, अब मैंने इसके 5,000 क्यों उठाऊँ भाई, मेरे पास ना मुझे ना सर दर्द की मेडिसिन तो मंगवा दो। यार वो तो ठीक है, अभी एक हुआ है अभी एक रहता है, मैं उसको कैसे जल्दी जल्दी फ्री करूँ, वो साले क्या कहते करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है, कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।